तकलीफ हुई कब थी, कितने दिन हो गए? 4 दिन होगा। 4 दिन। कौन से पैर से है? चलाओ अभी पता चल जाएगा। देख ये देखो, इसको हिला ही नहीं रही है ना, लेफ्ट वाला आगे वाला पैर है। हाँ हाँ आइए, ये देख ये देख, चलो 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 काफी दूर चलाओ। चल। पानी में खड़ी थोड़ी रहती है ये, खेत में ले जाऊं। कितनी दूर है खेत? खेत का सागो है। मरा की? मर रहे? आप लोग इधर आओ, इसके पीछे होता कि ये चले। चल। बस ये एक ही पैर में है ना। हाँ चलो रुको 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 रुको, चल आओ ना मंदिर में, आप आओ, आपसे थोड़ी आगे खिसके, खिसका आगे पीछे से आओ, आप लोग पीछे आओगे ना तो आगे खिसकेगी। हाँ चलो, हाँ चलो चलो चल चल चल। हाँ ये देखो बाकी ना, नितेश भाई का जलवा है ये। हम लोग पहले घोड़ा में उसी प्रकार करते थे, एक छड़ी लेके ऐसे ऐसे करते थे। हाँ ये है भाई, अभी तक टेक तो रही है पैर तो नीचे, ठीक है देख लिया। हाँ लेकिन लंगड़ा रही है फुल है ना। लो बंद और है ना, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक पैर से ऐसे लंगड़ा रही है और कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्याई हुई कब की है? टेम्परेचर लो कितने, तो हो गया भाई 8 महीना की होगी। नहीं 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 आटी कहते ही पटे। ग्यापिन कितने महीने की है? गिराने की जरूरत नहीं है, पैर में प्रॉब्लम है, पैर को ही देखेंगे। हाँ नीचे देखो सर, सही नहीं आया। हाँ इधर से लो, इधर से लो। अभी देखते हैं, देखो अभी देख के बताते हैं आपको। ग्यापिन है क्या? कौन? अरे वो उठाओ। ग्यापिन कितने महीने हो गए? ए आई करवाई थी या भैंसा छोड़ा था? हाँ सुई से। अब क्या बन के आन का हाल? आज ही अभी चेक करेंगे, अभी सब कुछ बताएंगे आपको, डरो मत। पहले टेम्परेचर ले लो, उसके बाद देखो पैर में जो प्रॉब्लम हुई है ना, क्या हुई है, कुछ कुछ लग रहा है क्या कहीं? आप मनप्रीत भाई आप चेक करो, कहीं किसी जगह दर्द महसूस हो रहा है क्या? कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह हो जहाँ दर्द महसूस हो? और ये कटाई कौन नहीं कहता, खुरी कौन ने ने? पीछे तो नहीं है रे, ये एक ही पैर है। आपने भी देखा होगा दर्द तो कहीं नहीं कर रही है, कोई जगह दर्द थोड़ी कर, नहीं कर। हाँ ये इसी पैर में है। कितना आ रहा है? 102.1 आया है ना। ये आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा भाई। बस नहीं बढ़ेगा ना बस। बाकी खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कटोरी में तेल लेके आओ, चेक करना पड़ेगा गैप भी नहीं है कि नहीं है, उसके हिसाब से दवा देनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा सा तेल लेके आ जाओ। तो देख ये है, बस इसी पैर में है। एक बार है ना एक रस्सा लाओ, छोटी सी रस्सी लेके आओ एक, और बांध करके पैर को फोल्ड करके, और फिर देखो उसके नीचे कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। बांधो बांधो, दोनों तरफ रस्से को दोनों तरफ रखो, दोनों तरफ गाड़ दो, पीछे की तरफ गाड़ देना है। हाँ ऐसे यहाँ पर गाड़ देना है। हाँ ये गाड़ दो। अरे ऐसे नहीं, दोनों तरफ रखो रस्से को, रस्सा एक लंबा रखो। हाँ रखो दोनों तरफ। अब इसको उठाओ, पैर को उठाओ, पानी लेके आओ, पानी बाल्टी में ठंडा ही ले आओ, चाहे गर्म बाद में देख लेंगे। अब राणा भाई देखो अच्छे तरीके से, बांधने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देख लो यूं। चक्को चाहे देखो, पंजाबी में चकना कहते हैं क्या? चकना मतलब उठाना है ना। ऊपर चक। हाँ तो चक लो फिर, और क्या। नहीं नहीं वापिस चको इसको। हाँ वापिस चको, वहां नहीं है रे, सिर्फ यहाँ देखना है, खुर में कुछ कोई चीज फंसी हुई हो, कोई कांटा हो, पानी डालना ऊपर। अरे यार एक लोटा लेके आओ भाई, पानी लेना।
पानी से अच्छी तरह से साफ करके और चेक कर लो, ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि कोई चीज फंसी हुई नहीं है। कई बार कोई कांटा हो, बबूल का कांटा हो सकता है, कोई कांच हो सकता है। देखने को क्या कहते हैं दसो है? देखने को क्या कहते हैं पंजाबी में? देख लो, देखने का देख लो ही कहते हैं। देख लो। चख लो, हाँ चख लो और ऊपर नु चख लो, देख लो ऊपर नु चख लो। सर एक तकलीफ मान दी है, लग रही है कि बेचारे सर देखो देखो फेस सब वाइट स्पॉट है ना, यहां पर कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं है। हां हम चल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है कुछ। अरे वो तो दबाओगे तो पता चल जाएगा। आप तो इतना ही देखो, कोई कांटा कांच ऐसा कुछ कुछ नहीं है ना? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वैसे पानी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब जगह से दबाओ, ये खुर को भी दबाओ, हां यहां से सब जगह से दबाओ। अगर दर्द होगा ना एक जगह तो वो तो साफ पता चल जाएगा यार। सब जगह से दबाओ। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, दबा करके देख लो। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पता नहीं चला, दबा एक जगह से फुल दबा। हाँ ये जैसे पॉइंट दबाते हैं ना एक्यूप्रेशर में, उस तरीके से। कुछ नहीं सर, ठीक है। कांटा लगा नहीं? इधर देखो, खुर कटावा कैसा है ये? वही सर मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं वो तो यही है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें इसी में है प्रॉब्लम। इससे दबाओ, इससे दबाओ, खुर को इससे दबाओ ऊपर से। हाँ वो लो, वो डंडा लो, डंडा। हाँ हाँ दबा करके देखो, जबरदस्त दबाओ, ऐसे नहीं ठोको मत। हाँ यू दबाओ, दबाओ भी पता चल जाएगा हर। हाँ ऐसे ऐसे नहीं, कोना दबाओ, कोना। हाँ यू, अरे कोना दबाओ, इसका कोना, लकड़ी वाला जो आपको दिया है इसका कोना दबाओ। हाँ यू, आपकी बात समझे है राणे भाई। हाँ करो, अच्छे से करो, दबाओ। देखो पस तो नहीं पड़ी अंदर, पस तो आगे की साइड में होती है, लेकिन पस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। हाउसिंग में ये मामला मनफीत भाई, पहले चेक करो ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। छोड़ो, पैर सही है, पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल लेके आएगा, स्लीव्स है क्या जेब में? चेक करो फटाफट। बस ये एक पैर में प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अच्छे तरीके से देखो आप, देखे क्या इलाज होना चाहिए। ग्याबिन की स्थिति भी अभी आपको बता देंगे, क्या कंडीशन है, ग्याबिन है कि नहीं है, उसके बाद उस हिसाब से इलाज करना। दूध तो दे रही है ना बराबर? दूध दे रही है बराबर। सात महीने की ग्याबिन है। अरे तेल कौन सा है? सरसों का तेल नहीं लाना है, सरसों वाला दूसरा लेके आओ, इसको साफ करो फटाफट। या इसका कोई किया हुआ गोबर है तो गोबर ही ले लो ना यार। गोबर ये रहा ना, गोबर हाँ गोबर ले लो ना, क्या दिक्कत है, गोबर ले लो। हाँ गोबर से आप कर लो, गोबर वहाँ एनल पोर्शन पर लगाओ, गोबर उठाओ। हाँ यहाँ पर पकड़ो राणा भाई, पोछ पकड़ो, यहाँ पर लगाओ, पहले ऊपर लगा दो, ऊपर लगाओ। हाँ यहाँ ऊपर लगा दो और फिर आ जाओ, बस हो जाएगा। नहीं पानी की जरूरत नहीं है, ऊपर लगा देते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। राणे भाई, नीतीश भाई, खींचो 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 यार। हाँ ऐसे खींचो चाहे मत, लेकिन लगना चाहिए बंदा खींच रहा है ना। हाँ यो दांत खींचो, देखो देखो भाई, खींचते हुए लग रहा है क्या? खींचो। हाँ यो, हाँ ऐसे अब लग रहा है जैसे आप खींच रहे हो, है ना? इतनी देर लग रहा है, रहने दो रहने दो, हो गया काम। ऊपर से दबा लो अगर जोर कर रही है तो। नथुने बहुत गीले हैं। नहीं नहीं नहीं, नथुने बिल्कुल सही है, नथुने में कोई प्रॉब्लम नहीं है रे, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको तो ये एक पैर की प्रॉब्लम है। ये रस्सा खोल दो सर, यहाँ पर सर पैर में सर दिखा गया सर, देखो ब्लड आया है क्या? जी सर, वो प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर ये देखो ब्लड सा आया है क्या? आपने ऊपर से नहीं देखा सर, अभी से लगी है सर, ये सीजन है सर, अभी लगी, अभी अभी और देख लेंगे, रुको। अरे देख,
नहीं ये तो लगने की वजह से भी आ सकता है, देखो ना एक बार पानी डाल के देखो यहाँ कुछ है क्या। ये तो अभी लगी है रे, हाँ ये तो लगी है या अभी या पहले भी लग सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंपरी और भेज दी, कितनी बार भी आई हुई बताइए, एक बार ही है ना है, पक्का है ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए प्रेग्नेंट है तो फिर अब बताइए भाई क्या इलाज होना चाहिए, प्रेग्नेंट है और एक पैर से लंगड़ा रही है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना दूध सब बराबर होके है, पैर को कैसे ठीक किया जाए फटाफट लिख दीजिए।